वेलकम बैक टू रिलायबल मोटर्स। और हम खड़े हैं फॉक्स वैगन पोलो के सामने। कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है इसका फ्रंट लुक। सेंटर में फॉक्स वैगन का लोगो, हल्की सी क्रोम फिनिश, हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स। नीचे आपको स्किड प्लेट नहीं मिलती इसमें। और हमारे एक दोस्त कुणाल ओची रामानी ने गाड़ी ली है, तो भाई को मैं बुलाना चाहता हूँ। भाई कब ली गाड़ी? ये अभी कुछ 2 महीने पहले ली है। 2 महीने पहले? जी हाँ। कब का मॉडल है? 2018 का मॉडल है। अच्छा, कुछ दिक्कत आती है गाड़ी चलाने में? कोई दिक्कत नहीं आती है। और क्या कैसा लगता है इसका इंजन परफॉर्मेंस वगैरह, क्या बोलते हैं? इंजन परफॉर्मेंस एकदम अच्छा है, एवरेज ऑनलाइन दिखाता है, इधर 22 का गाड़ी पे दिखाता है 24 का। अच्छा, तो विश्वास नहीं होता है। अच्छा अच्छा, वो दिक्कत होती है। बाकी अपहिल एरिया में अभी जैसे कि यहाँ पूरा अपहिल एरिया है, बिल्कुल चढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं। ओके, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और आपने ड्राइविंग सीखी हमारे पास में रिलायबल में? बिल्कुल बिल्कुल एकदम, तभी तो आती है गाड़ी चलाना है, कोई भी गाड़ी आ जाती है अभी। आ जाती है बिल्कुल। और सीखने के बाद आपने बोला था कि गाड़ी लूँगा? बिल्कुल, अगले दिन गाड़ी ले ली। अगले दिन ही गाड़ी ले ली? बिल्कुल। चलो बढ़िया है। और फैमिली वगैरह के साथ घुमाने लेके गए हो कहीं? बिल्कुल, दूर दूर तक लेके गए, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक जगह है वहाँ तक लेके गए। क्या बात है, बहुत अच्छी। कुछ दिक्कत आई उसमें? कोई दिक्कत नहीं आई। और गाड़ी ऐसा हीट होता है वगैरह कुछ? कुछ हीट वीट नहीं होता है। नहीं ना? नहीं ना। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़ोरदार होता है। जर्मन बिल्ड क्वालिटी है। जर्मन बिल्ड क्वालिटी है। पोलो पसंद थी आपको? हाँ। और ये कैसे हुआ, यानी इसका सौदा कैसा किया आपने? आपके एक दोस्त? हाँ, हमारे एक दोस्त है, उनसे ले लिया। अच्छा, ORVM पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। 2018 का मॉडल है। और ऊपर स्पॉइलर, एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लाइट, रियर डिफॉगर, लोगो फॉक्सवैगन का पोलो का बैजिंग। ये इसका टेल लैम्प, नीचे रिफ्लेक्टर। और इसका बूट कुछ इस तरीके से ओपन होता है, यहाँ पर आप इसको जैसे प्रेस करते हो तो यहाँ से आप इसको इसके बूट को ओपन कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा आपको बूट स्पेस मिलता है। ऊपर पार्सल ट्रे भी मिल जाता है। देखिए पीछे का स्पेस देखते हैं इसका, तो यहाँ पर आपको आगे रीडिंग लाइट्स मिलती है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेफ्टी के मामले में पोलो भी काफ़ी आगे है। फाइव स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। ग्लव बॉक्स में भी आपको एसी वेंट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। टेल्ट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है आपको इसमें। एयरबैग्स भी आते हैं फ्रंट में, वो एयरबैग्स के साथ आती है। अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट में आपको मैक प्रोसे स्क्वाड व्हील कॉइल सस्पेंशन मिलते हैं। और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलता है। और कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है इसका साइड लुक। तो एक बार भाई से पूछते हैं कि इन्होंने कितने में लिए गाड़ी, और क्या लगता है कि सही प्राइस दिया इन्होंने? क्या प्राइस दिया आपने इसका? हमने गाड़ी 5.5 लाख में ली है। 5.5 लाख में? 2018 का मॉडल है ये। नई गाड़ी आती है 11.5 लाख। नई गाड़ी 11.5 लाख? 11.5 लाख। और डीजल या पेट्रोल? ये डीजल है, इसमें अभी पेट्रोल मॉडल ज़्यादा चलता है, आता भी वही है। डीजल मॉडल ग्लोबली चलता है। नेक्स्ट ईयर इसका न्यू मॉडल आ रहा है जो ग्लोबली चलता है। ये मॉडल जो 2010 से कंटिन्यू कर रही है कंपनी, और इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम अच्छी है। अच्छा, तो कुछ इस तरीके का भाई ने गाड़ी परचेस की है, और खुश है भाई आप ये गाड़ी लेके? जी हाँ बिल्कुल। चलो बढ़िया यार, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कुणाल भाई। थैंक यू आपके नई गाड़ी के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ में।